दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अब एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया और उस बैंक के ग्राहक अपने खाते से अगले 6 महीने तक 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, समय समय पर RBI की तरफ से कई सारे बैंकों पर नियमों के उल्लंघन करने के चलते जुर्माना वगैरह लगाया जाता, कई सारे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। लेकिन अगर बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, ये बैंक आगे बैंकिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में RBI उन बैंकों पर प्रतिबंध लगा देता है। अब ये बैंक ना ही किसी ग्राहकों को लोन दे सकते हैं, ना ही ग्राहकों का पैसा जमा कर सकते हैं और ना ही ग्राहक अपने खाते से पैसे निकाल पाते हैं। हाल ही में भी RBI ने 5 ऐसे बैंकों पर प्रतिबंध लगाई थी जिनके ग्राहक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। वो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, मैंने आपको उनके बारे में बताया भी था। ये अलग अलग महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के कोऑपरेटिव बैंक हैं जिन पर RBI ने प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अमेजोन पे पर भी 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया KYC के नियमों का उल्लंघन करने के चलते। तो कहने का मतलब यही है सिंपल फंडा दोस्तों, कि RBI हमारे देश भारत में सभी बैंकिंग और NBFCs को कंट्रोल करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो चाहे बैंकिंग कंपनीज हो, जब भी वो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो RBI उन पर पेनल्टी लगाता है। और अब इसी कड़ी में एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, अगले 6 महीने तक इस बैंक के ग्राहक अपने ही खाते से 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। और वो बैंक है दोस्तों तमिलनाडु स्थित मुसूरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इस पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है। अगले 6 महीने तक ये नियम लागू रहेगा, ग्राहक सिर्फ 5,000 रुपए तक की निकासी कर पाएंगे। ज्यादातर दोस्तों ऐसे जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो कोऑपरेटिव बैंकों पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि जैसे बड़े बैंक हो गए SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI वगैरह, ये इतने रूल्स का उल्लंघन नहीं करते और इनकी कैपिटल भी काफी बड़ी है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड वगैरह धोखाधड़ी की घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, इसलिए RBI की तरफ से प्रतिबंध भी ऐसे बैंकों पर ही लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी कोऑपरेटिव बैंक्स में खाते हैं तो उनको आप बड़े बैंक में ट्रांसफर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बाकी AGUs, उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।